हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये 11th क्लास के लिए टॉपिक है। हमारा यूनिट चल रहा है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, बेसिक कंसेप्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इलेक्ट्रोफाइल्स नाम है इसका, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मीन नेगेटिव चार्ज, एंड फाइल का मतलब होता है टू लाइक, टू लव, टू लाइक। सो दो वर्ड हैं इसमें, इलेक्ट्रो एंड फाइल। देखो तो ये एक ऐसा ग्रुप होगा या एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जो किसको लाइक करेगा, जो नेगेटिव चार्ज को लाइक करेगा, जो नेगेटिव चार्ज को लाइक करेगा। अब कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव चार्ज को लाइक करती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लाइक करती है या नेगेटिव चार्ज को लाइक करती है, तो या तो उस पर खुद पॉजिटिव चार्ज होगा, तो या तो उस पर खुद पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कम होंगे, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स को लाइक करता है। सो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या है ये? द एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच मे बी कैटाइन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो या तो वो चीज़ होगी कैटाइन पॉजिटिव, या उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, एंड आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो दो ही चीज़ें नेगेटिव चार्ज की तरफ या इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगी, या तो वो खुद पॉजिटिव चार्ज हो या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तब जाके वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल हम इनको बोलेंगे। देखो जैसे एग्जांपल है, तो जैसे केटाइन्स हैं, एच पॉजिटिव, एन ओ पॉजिटिव, एच ओ, एच थ्री ओ पॉजिटिव, बी आर पॉजिटिव, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये क्या क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो दूसरी जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स की, ग्रुप्स की, बी एफ थ्री लिखा हुआ है, बी एफ थ्री, ए एल सी एल थ्री। ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। डेफिशिएंट इसलिए होते हैं क्योंकि देखो बोरान जो होता है ना, बोरान का एटॉमिक नंबर है 5 5 5 है, तो इसके बाहर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि दूसरे वाले शेल में हमें चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बट इसके दूसरे शेल में कितने हैं? 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 5 की और कमी है, मगर बी एफ थ्री में फ्लोरीन अब इनको 3 ही इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये और देगा, तो हो गए 6 ही इलेक्ट्रॉन। तो बोरान के आउटर शेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, चाहिए तो 8, तो इसलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये भी अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। उसी तरह से ए एल सी एल थ्री भी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेविस एसिड्स, लेविस एसिड्स बोलते हैं इनको। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, इसी के अपोजिट में आ गया। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और फाइल मतलब टू लाइक। तो ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करे वो आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज को लाइक कौन करेगा? या तो वो खुद नेगेटिव होगा या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो एक्सेस में होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तब जाके तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, या तो खुद नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। तो द एटम ग्रुप ऑफ एटम्स विच मे बी एनाइन, या तो वो एनाइन हो और इलेक्ट्रॉन सुफिशियंट, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन उतने बहुत हों, काफ़ी हों, एंड आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, देखो ओ एच नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव, आर सी ओ नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव हैं, तो ये क्या है? न्यूक्लियो फाइल। अभी नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, इसलिए क्या है? ये न्यूक्लियो फाइल। और दूसरी कैटेगरी बोली हमने, न्यूट्रल होंगे बट उस पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी होंगे, एक्सेस। जैसे अमोनिया है, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वाटर है, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्कोल, ऑक्सीजन पे हमेशा 2 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी होते हैं, तो ये भी एक्ट कर सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव पे, तो ये भी क्या है? न्यूक्लियो फाइल। तो इस तरह की जो कैटेगरीज होती है उनको बोलते हैं लेविस बेसिस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन सुफिशियंट में होते हैं और वो डोनेट कर सकता है किसी को, उनको आप बोलते हैं लेविस बेसिस। जो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन वो लेविस एसिड्स, जो डोनेट करे वो लेविस बेसिस।
दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स. नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इट इज बॉन्ड फिशन. बॉन्ड फिशन मतलब बॉन्ड का टूटना, कैसे टूटता है बॉन्ड. ब्रेक डाउन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड फिशन. सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, मतलब दो आपके पास एटम्स हैं और वो जुड़े हैं किससे, कोवलेंट बॉन्ड से, और उस बॉन्ड की हो जा रही है फिशन, ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको आप बोलते हैं बॉन्ड फिशन. अब ये बॉन्ड फिशन क्या है, कितने टाइप्स का है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और हेटरोलिटिक बॉन्ड फिशन, दो तरह के होते हैं. होमो का मतलब होता है सेम, लिटिक निकला है लीसिस से, लीसिस मीन्स ब्रेक डाउन, सेम ब्रेक डाउन. तो ब्रेक डाउन इस तरीके से हो कि सिमेट्रिकल हो, सेम तरीके से हो. क्या मतलब है इसका, बॉन्ड फिशन इन विच द बॉन्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स ब्रेक्स इन सच अ वे दैट द ईच एटम रिसीव इट्स ओन इलेक्ट्रॉन एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स इज कॉल्ड होमोलिटिक और सिमेट्रिकल बॉन्ड फिशन. इस तरह से हो, इन सच ए वे, मान लो आपके पास दो एटम्स है ए एंड बी और बीच में बॉन्ड लगा हुआ है. अब हर एक बॉन्ड जो आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है. कहता है कि इस तरह से हो बॉन्ड फिशन सो दैट ईच एटम रिसीव्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इस बी का है, तो हर एक को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिले. तो आप इसको एरो से बताएंगे, इसे फिश हेड एरो भी इसको आप बोलते हैं, फिश एरो मतलब इसका एक ही हेड होता है, डबल हेडेड नहीं होता, एक ही है. ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन इनको वापस मिल जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल. जब क्या बन जाएगा आगे, फिर ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर अपना अपना एक, इनको आप बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, पेयर में नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, इज कॉल्ड होमोलिटिक आर सिमेट्रिकल बॉन्ड फिशन, क्योंकि सिमेट्रिकल हुआ एक इधर एक इधर. दिस फिशन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय फिश एरो, इनको क्या बोलते हैं, फिश एरो, इस टाइप एक ही एरो लगाना है आपने, विच डिनोट्स द वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ये क्या डिनोट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है. सो दिस इज योर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन. एग्जाम्पल इसमें बोल सकते हैं, मान लो हाइड्रोजन है H2, तो हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड लगा है, ये वाला कैसे बना है, हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इस हाइड्रोजन का है, एक इस हाइड्रोजन का है, तो फिशन हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और आपके पास दो बन जाएंगे फ्री रेडिकल्स. तो ये जो है ये आपकी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन है, होमोलिटिक. चलते हैं आगे. दिस फिशन अकर्स वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एटम्स आर सेम. ये फिशन उसमें होगी जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी. देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है ना, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई फर्क नहीं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों एटम सेम है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है, इसका मतलब ये इक्वली खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. तो इसलिए जब इक्वल ब्रेकडाउन होगा, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा. इट ऑकर्स इन द नॉन पोलर बॉन्ड्स, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, और उसी का दूसरा कहने का मतलब यह है कि या तो ये बॉन्ड नॉन पोलर हो. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, न यहाँ जाएंगे न यहाँ जाएंगे, तो दोनों पे कोई चार्जेस नहीं आएंगे, जीरो होगा, पूरा कंपाउंड जो है नॉन पोलर होगा. तो ये उनमें होता है जो कंपाउंड नॉन पोलर होता है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है एंड इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर. और इसको आप तोड़ेंगे किससे, इन बॉन्ड को आप किससे तोड़ सकते हैं, इस बॉन्ड को आप अल्ट्रावायलेट रेज डाल के तोड़ सकते हैं, हाई टेम्परेचर डाल के हीट करके कर सकते हैं, या प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर या कोई दूसरे एजेंट्स इसमें डालें, रेडिकल इनिशिएटर जो इस रिएक्शन को करें, स्टार्ट करें, इनिशिएशन करें और रेडिकल्स बनाएं. तो ये हो गया, जैसे एग्जांपल है पर ऑक्साइड्स की. पर ऑक्साइड क्या है, रेडिकल इनिशिएटर. ये रेडिकल इनिशिएटर भी इसकी फिशन करवाते हैं, इसको तोड़ते हैं. नेक्स्ट जो टाइप आपकी बॉन्ड फिशन की है वो है हेटरोलिटिक बॉन्ड फिशन. हेटरो मतलब डिफरेंट, जैसे होमो का मतलब होता था सेम, हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट. बॉन्ड फिशन इन विच द बॉन्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स ब्रेक इन सच अ वे दैट द बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड टेक अवे बाय वन
of the bonded atoms are taken away by the one of the bonded atoms resulting in the formation of positive and negative ions. कहता है कि बॉन्ड फिशन इस तरह से हो कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं टू बॉन्डेड एटम ब्रेक इन सच अ वे दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोल एंड बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन जो कोल एंड बॉन्ड के हैं आर टेकन बाय द सिंगल एटम एक ही एटम ले जाए उनको इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन या अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिशन भी इनको एक ही एटम ले जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन पिछले में एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया था एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया था इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही एटम ले जाएगा दिस फिशन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय अ कर्व्ड एरो इसको पूरा एरो से दिखाते हैं डबल हेडेड एरो होता है उसमें था ना ऐसा इसमें है आपका डबल हेडेड दोनों साइड एरो विच डिनोट्स टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ये क्या दिखाता है टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखाता है एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें मान लो जैसे आपके पास मान लेते हैं HCl है तो HCl इनकी इलेक्ट्रॉन इनके सेम नहीं होंगे अब तो ये क्या होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे आगे जाके क्या होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे गए एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का अपना था मगर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो भी तो क्लोरीन को ही मिल गया जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके पास चार्ज आ गया नेगेटिव और हाइड्रोजन का जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो तो क्लोरीन ने ले लिया इसलिए इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिशन दिस फिशन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय कर्व्ड एरो विच डिनोट्स टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला जो एरो जो है हमारा टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखाता है अब ये जो फिशन है दिस फिशन अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एटम्स आर डिफरेंट पीछे हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो जो आपका बॉन्ड फिशन होगा वो होमोलिटिक होगा पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर डिफरेंट हैं तो बॉन्ड फिशन क्या होगा हेट्रोलिटिक होगा और पीछे हमने पढ़ा कि वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होने चाहिए ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं ये बॉन्ड्स क्या होते हैं पोलर होते हैं क्यों HCl जो है ना पोलर बॉन्ड है इस पे क्योंकि ये इसके ज़्यादा नज़दीक है ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा नज़दीक हैं इसलिए इस पर थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है जब इसको ये टूट जाएगा तो इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज और उस पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बॉन्ड क्या है पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और पीछे हमने पढ़ा कि उसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज लगाते हैं हाई टेम्परेचर करते हैं परऑक्साइड्स डालते हैं रेडिकल इनिशिएटर डालते हैं इसमें हम क्या डालते हैं पोलर सॉल्वेंट जो इनको फेवर करते हैं मतलब अगर आप इनको HCl को किसी पोलर सॉल्वेंट मान लो जैसे वाटर में डाल देते हो तो वो भी इसको फेवर करेगा इसका ब्रेकडाउन तो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड फिशन होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक तो आपके आज चार टॉपिक हो गए इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं होमोलिटिक फिशन क्या है और हेट्रोलिटिक फिशन क्या है नेक्स्ट वीडियो में